तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने के लिए। आज हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है HP का विक्टस लैपटॉप। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पे अपने लोकल शॉप से ही ख़रीदा है, ठीक है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें क्या वगैरह मिलता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कैसा है लैपटॉप है, ठीक है। ये है और साथ ही साथ इसमें भी पावर केबल चार्जर वगैरह है। और ये इसका बॉक्स है, देख सकते हैं यहाँ विक्टस की ब्रांडिंग वगैरह करी गई है HP की तरफ से। और ये एक i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, 12 जनरेशन वाला, है ना। और हम देखते हैं मेन चीज़ में क्या है, इसमें क्या क्या दिए हैं। ये लैपटॉप है हमारा, ठीक है। इसकी पन्नी वगैरह इसमें चढ़ी हुई है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये लैपटॉप किनारे रख देते हैं। ये है HP का विक्टस, ये इसका साइन बना हुआ है विक्टस का, यहाँ पे विक्टस लिखा हुआ है, है ना। और ये डिज़ाइन वगैरह का इसका लोगो वगैरह का लिखा है, ठीक है। और ये गेमिंग लैपटॉप है, आप इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। और यहाँ पे इसकी ग्रिल्स वगैरह है वेंटिलेशन के लिए, कूलिंग के लिए, क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप है इसलिए इसमें अच्छी वेंटिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, है ना। और यहाँ पीछे भी दिया गया है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन देता है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ इसकी जो डिस्प्ले है, ये 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा रिफ्रेश रेट है गेमिंग लैपटॉप के लिहाज से। और देखिए यहाँ पे विक्टस की ब्रांडिंग दी गई है वापस यहाँ पे। इसमें एक NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है GTX 1650, और इसमें इंटेल का i5 प्रोसेसर है, 12 जेन प्रोसेसर है, है ना। और यहाँ पे यही बताया गया है इसमें 144 हर्ट्ज की इसकी डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट है। और वही इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं प्री इंस्टॉल, ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑन वाली बटन है, ये हमने इसको ऑन कर दिया, ये लाइट जली है, ये ऑन हो रहा है। ये देखिए यहाँ स्क्रीन में आ चुका है विक्टस, ऑन हो रहा है, ये ऑन हो चुका है, है ना। तो अब मैं आपको इसमें स्पेक्स दिखा देता हूँ उसके, प्रॉपर्टीज़ में गए हम, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे स्पेक्स दिए गए हैं इसके। 12 जेन प्रोसेसर है i5, 12450H सीरीज़ तो आपको पता ही होगी, ये हाई परफॉर्मेंस कोर के लिए जाना जाता है ना। 2 GHz का इसका प्रोसेसर है और 8 GB रैम है भी इस सिस्टम में, विंडोज़ 11 के साथ आता है, ठीक है। और ओवरऑल और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे इसमें इनका गेमिंग सेंटर दिया गया है, ओमेन गेमिंग हब HP की तरफ से। यहाँ पे वही सेटिंग्स वगैरह हैं और आप गेम वगैरह ऐड कर सकते हो, खेल सकते हो। हाँ तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे अच्छे पोर्ट्स के साथ आता है। ये देखिए इसमें एक सी टाइप पोर्ट दिया है, जो कि एक USB SSD, एक्सटर्नल SSD भी आप इसमें लगा सकते हैं, पावर भी दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अपना HDMI का सपोर्ट भी दिया है, आप इसमें डिस्प्ले वगैरह ऐड कर सकते हैं, मॉनिटर वगैरह जो भी आपको ऐड करना है। ये अपना USB है, ये वही 3.0 USB होगा, है ना इसमें। और ये RJ45 ईथरनेट केबल का पोर्ट है यहाँ पे। और इस साइड देखते हैं तो एक हेडफोन जैक के लिए दिया गया है पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये एक और USB दिया गया है, है ना। और एक पावर के लिए दिया है, पावर सॉकेट दिया गया है इसमें, है ना। ये था ओवरऑल लैपटॉप, हालांकि मैंने इसमें बहुत से गेम खेले हुए हैं, गेमिंग तो इसकी बहुत अच्छी रही। और बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको GTA 5 चला के दिखाऊंगा, है ना। ओवरऑल बाकी लैपटॉप अच्छा है गेमिंग पर्पज़ के लिए। इसमें बैकलाइट भी आती है, जिसको ऑन करने का ऑप्शन या फिर FN की प्रेस करके, ये यहाँ पे F4 है ना, इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पे इसकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी। ये एक वाइट बैकलाइट के साथ आता है,
और इसमें पूरे लेटर विजिबल रहते हैं, जिसमें आप नाइट में भी इस कीबोर्ड को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस को भी हम बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से, ये इसकी ब्राइटनेस अभी और बढ़ा रहे हैं, ये 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है ना। और साउंड सिस्टम भी इसका काफ़ी अच्छा है, ये जो ये आप ग्रिल देख रहे हैं ये ऐसी ये बनी हुई है होल्स हैं, ये पूरा साउंड सिस्टम है इसका जो कि यहाँ पर है। और बाकी इसका ट्रैक पैड भी बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं बहुत बड़ा है, और ये पूरा वर्किंग है, आप कहीं से भी इसको टच करेंगे ये पूरा वर्क करेगा, बहुत अच्छे से कर रहा है, बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा चल रहा है लैपटॉप इस समय। वाईफाई भी बिल्कुल 5 GHz वाले सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वगैरह है, सभी फीचर्स हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एक गेमर हो, आप चाहते हो कि एक बजट में एक अच्छा लैपटॉप आ जाए जिसमें सारे गेम सपोर्ट हो, अच्छे FPS मिल जाए, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों HP की तरफ से विक्टर्स लैपटॉप। हाँ तो दोस्तों ये इसका पावर अडाप्टर है जो कि 150 वॉट के साथ आता है, जो कि हमारे लैपटॉप को 2 घंटे में ही चार्ज कर सकता है, चार्ज करके दे देता है। ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, अच्छी है। ये केबल वगैरह है यहाँ पे, इसकी लग जाएगी केबल और फिर अपन लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं इससे। और ओवरऑल जो बैटरी बैकअप लैपटॉप देता है, जैसे कंपनी बोलती है कि ये 7 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, बट ये चल जाता है 4-5 घंटे, और गेमिंग वगैरह करोगे तो वैसे ही बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है ना। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ ये भी लिया है, ये साथ में लिया था तो मेरे को 200 का डिस्काउंट मिल गया था, तो ये मेरे को 1400 का पड़ा था। ये भी HP का वायरलेस माउस और कीबोर्ड है, पूरा कॉम्बो है। और ऑफलाइन मार्केट में ये मेरे को 65,000 का पड़ा था। आप अपने लोकल मार्केट में पता कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये HP का विक्टर्स लैपटॉप कैसा लगा। और हाँ, हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में GTA 5 का गेम प्ले भी डालेंगे, आप वो भी देखिएगा सर।